Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग खुश हैं? Praise God. यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां. जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो. मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है क्योंकि हम खुदा के हुजूर में हैं और इस बात के लिए मुझे ज्यादा खुशी है कि खुदा की हुजूरी हमारे दरमियान है. और यकीनन जब वो कलाम करता है तो हम बरकत पाते हैं. जब उसका कलाम खुलता है हमारी जिंदगी में सुख चैन तसल्ली दशफी आती है. उसके कलाम की रोशनी हमारी जिंदगियों में जब पड़ती है तो हम बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं. बाइबल मुकद्दस जिंदगी का कलाम है और जो कोई इस पर ध्यान देता है, जो कोई इस पर तवज्जो करता है वो बरकत का सबब ठहरता है. एक जबरदस्त बात तोड़ों के हवाले से, अशरफियों के हवाले से और इस हिस्से में जो जबरदस्त और अच्छी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. मेहरबानी से ये चंद बातें, ये तो अभी तमहीद है, मैं सजा के जाके होगा तो इसको अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो अगली बातें जो की जाएंगी, मैसेज जो होगा आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा. जी, तोड़ों की तमसील में, फिर अशरफियों की तमसील में हम देखते हैं वो जिसने पांच के साथ पांच और कमा लिए उसको क्या कहा? शाबाश, अच्छे और दयानदार नौकर, शाबाश. दो तोड़ वालों को भी यही कहा गया. क्या आप यीशु मसीह के नौकर होना पसंद करेंगे? कौन से? अच्छे नौकर रहना अच्छा है. कितने लोगों को यीशु मसीह का नौकर रहना अच्छा लगता है? प्रेज लॉर्ड. जबरदस्त जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त. अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश. जब यूहन्ना की इंजील की तरफ निकलते हैं उसके 15वें बाब की 15वीं आयत में यीशु मसीह एक जबरदस्त ख्याल, एक जबरदस्त बात हमारे सामने रखते हैं. यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 15वीं आयत. प्रेज लॉर्ड. रूफन ने बाइबल नहीं खोली हुई, घोटे ताल में जाते आपका बाइबल खोलने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ बेहतर नजर आया? हाँ, आप नौकर होना पसंद करेंगे, नौकर कहलाना पसंद करेंगे या दोस्त? बेहतर से बेहतर ना. हाँ जी, नौकरों ने मौका नहीं, कोई और हाथ उठा सकता है?
सारे के नौकर हैं। हाँ जी, प्रेज लॉर्ड। तुसी उस ग्रुप चुके सके, प्रेज लॉर्ड। तुसी भी तो उस ग्रुप चुके, सभा भी नहीं गई। देखो बादशाह देखी तो कुछ लोग निशानदेह कर रहे, थोड़ा जा बेहतर हो जाए तो अच्छी बात है। क्या आप नौकर या दोस्त पर नक्शन करेंगे? कितने दोस्त? सारे? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जबरदस्त, हालेलुया। दोस्त कौन होता है? हाँ जी, जहां ये बात कही गई है ना, वहां यही है कि मैं हूं तारे ना दिल दिया गल्ला करा ना। आज तो नौकर नहीं, दोस्त। हालेलुया, दिल खुशी से भर जाता है यीशु मसीह के दोस्त। प्रेज लॉर्ड। बस आप दोस्तों की तालीम जा दे, दोस्त का फिर और भी कुछ लोग मेंबर बन गए हैं दोस्त। सारी कलीसिया यीशु मसीह की दोस्त। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज जो मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हम दोस्त के दर्जे से फटकर फर्जंदियत में आ जाए। जितने दोस्त हैं, जितने नौकर हैं, मेरे दिल में ये लालचा है वो ना तो नौकर रहे, क्योंकि जो नौकर है उससे दिल की बात नहीं कही जा सकती। जो दोस्त है उसके साथ दिल की बात कही जा सकती है, और जो फर्जंद है उसके साथ हमें विरासत मिलती है। कितने लोग विरासत का हिस्सा चाहते हैं? रे सारे, सारे विरासत मसीह के हम मिरास, मसीह की विरासत में से आप उसके हकदार तब होंगे जब आप दोस्त होंगे। जी ठीक है, सारे चाह पी के आए सुन। मैं तो चाह नहीं पी थी। होश चाहो, ठीक है। जब हम दोस्त होते हैं तो हम मिराश का के हिस्सेदार होते हैं। नहीं, शुक्र चाह ने काम किया, आप बेदार हो गए। जब हम दोस्त, जब हम नौकर होते हैं तब भी हम मिराश में हिस्सेदार नहीं। जब हम दोस्त हैं पादरी साहब फिर भी तल्लुकात महदूद हैं, मिराश के हिस्सेदार नहीं। और यहां रोमियो के खत में जब हम जाकर देखते हैं तो पौलुस रसूल एक जबरदस्त बात कहते हैं, अगर हम फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिराश। मुझे जो अच्छा लगता है वो ये है, मुझे जो इस बात में खुशी है वो ये है कि मैं मसीह का हम मिराश हूं, मैं खुदा का फर्जंद। और अगर मैं और आप, हम सब नौकर की हैसियत से निकले, अक्सर खादमों को
पासबानों को मुबशरों को कहते कई लोगों को जो खिदमत में है जो खिदमत में नहीं लेकिन अपने आप को बड़ा ईमानदार और समझने अशियन उनको ये कहते सुने भाजी साहब मैं ते निकम्मा नौकर और मैं ते मसीह दा निकम्मा और निकम्मा है कि फिर तेरी जगह किथे है कहा है भाई हाँ जी भाई यूनस निकम्मा है तो फिर जगह कहाँ है नीचे जहन्नम और निकम्मे नौकर को हम भी निकम्मे अपने घर में दवाई दावा देते अपने घर में उसे मौका देते अपने घर में उससे सीखने की कोशिश करते और की सिखाएगा उसे आप निकम्मे और यह रामा किधर जा रहे हैं पाशा जिंदगी की तरफ नहीं है फिर जहन्नम की तरफ तो जा रही है हाँ जहाँ रोना और जहाँ तो कभी इसना है और हम बहुत पसंद करते हैं निकम्मे कादम को निकम्मे कादम की कोई जगह नहीं थी यहाँ पुरपट से अक्सर ये आवाज आती है पर साइडर जो है इस बात को अक्सर कहते हैं खुदा का खादम दो चंद इज्जत के लायक है तालियां बजाए और ये अगर उस हवाले को हम पढ़े उस आयत पर गौर करें तो उसका पहला हिस्सा हमने छोड़ा हुआ है वहां ये है कि वो खादम वो पास्टर जो मेहनत करता है और अंजील की विशालत ध्यानदारी से लोगों के सामने रखता है वो दो चंद इज्जत के लायक है निकम्मा नहीं ठीक है जी तो निकम्मे होने में खुशी फील ना करें निकम्मा होने में आप जो है खुश ना हो ये आजी नहीं बल्कि जहन्नम की राह है ठीक है जी पहली बात मैं ये कहूंगा हम में से कोई मेरी दुआ है कि कोई खुदा का नौकर ना हो नौकर क्या कह रहे क्यों पर्सन नौकर होना नहीं नौकरों के काम न करें ना दोस्त बनकर या दोस्त होकर काम करें बल्कि उसकी फील्ड में फर्जंद बनकर बेटा बनकर काम करें तो फिर आप इख्तियार के साथ काम कर सकते हैं आप खुशी और शादमानी में खुदा की स्ताइश कर सकते हैं और जब आप उसके फर्जंद ठहरेंगे तो आप उसके खेत में बेहतर और अच्छी खिदमत कर पाएंगे बाइबल मुकद्दस में दो भाइयों की कहानी जिसको मुश्रो बेटे की कहानी से ज्यादा हम जानते हैं दोनों बाप के बेटे हैं एक ने अपनी जायदाद का हिस्सा ले लिया है मेराज उसे मिली है वो गया है और उसने अपनी बदचलनी में उसे जाया कर दिया है अब उसके तन के कपड़े भी फट गए हैं जूते भी टूट गए हैं और ये बेटा होने की हैसियत से जो अख्तियार रखता है वो भी कहता है कि बस अब मेरे पास नहीं है ये वापस लौटता है जब वापस आता है तो कहता है कि मैं जाऊंगा अपने बाप के घर जाऊंगा और उसे कहूंगा कि अब मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक तो नहीं
मुझे अपने नौकरों की मानत रख ले, क्योंकि नौकरों को भी अफराद के साथ खाना मिलता है। आप नौकर होके भी अच्छा खाना खा सकते हैं या अच्छी कोई बरकत पा सकते हैं। आप दोस्त होकर भी कोई अच्छी बरकत, किसी अच्छी नेमत का टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन जब भेजे हैं तो फिर अच्छी विशाल और अंगूठी और जूती के भी हकदार हैं। इसलिए जरूरी है कि हम नौकर की हैसियत से निकलकर, दोस्त की हैसियत से निकलकर फर्जंदियत की हैसियत में आए। और इंजील बड़ी जबरदस्त हमें तालीम देती है, और इस फर्जंदियत जो है इसको समझने की जरूरत है। जब हम फर्जंदियत की बात कर रहे हैं तो यूनानी में जिस लफ्ज का जो हमें तर्जमा फर्जंद मिला है, उसको अगर देखें तो ले पालक बेटे के मैनी निकलते हैं। हम जब फर्जंद ठहरते हैं तो हम खुदा के ले पालक बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और ले पालक बेटा या बेटी वो भी मराश का उतना ही हिस्सेदार है जितना अगर कोई दूसरा बेटा जो उसके वसीला से पैदा हुआ है। दोनों का एक होता है। ले मालिक को मैंने देखा है, उसका भी शिनाख्ती कार्ड में जब नाम आता है तो वल्दियत किसकी आती है? बाप की आती है, और वो उसके खानदान का हिस्सा होता है। और जब उस पास बेफॉर्म है, मौजूद है और उसमें उसका नाम है, वो उसके अपने बाप के नाम से बाप का नाम उसके नाम से जुड़ा हुआ है, तो जब मेराज का बंटवारा होगा तो ले बालक को पीछे करेंगे नहीं, वो भी उसी तरह उस मेराज का पूरा पूरा हिस्सेदार है। हम मसीह के ले पालक बेटे और बेटियां हैं, और बाइबल अंजील इस बात की शहादत देती है। जब हम रोमियो के खत को उसके आठवें बाप की 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, हम एक गुलामी की रूह नहीं कि हम नौकर की हसीयत से हैं। हमें जो हसीयत मिली है वो ले पालक बेटे और बेटियां होने की मिली है। हमें जो खुदा के साथ रिलेशन मिला है, जो हमारा रिश्ता खुदा के साथ कायम हुआ है, वो बेटे या बेटी का है, फर्जंदियत का है। और पौलुस रसूल कहते हैं, अगर हम फर्जंद हैं, अगर हम फर्जंद हैं तो फिर वारिस भी है। लेकिन पौलुस रसूल का ये हिसाब जो हम जिस पर बात कर रहे हैं, जो उसने रखा है, उसमें ये है, अगर फर्जंद हैं। कई दफा हम फर्जंद बनना पसंद ही नहीं करते, निकम्मे नौकर खुश हैं, हम फर्जंद होना पसंद ही नहीं करते। हम एक दोस्त की हैसियत में जो है खुश है। लेकिन अगर फर्जंद हैं तो उसकी मेराज जो है उसके हम हिस्सेदार हैं। इफिसियों के खत में भी इस बात को हम देखते हैं कि उसने हमें ले बालक बेटे की हैसियत से कबूल किया है, ठहराया है,
और जब हम यहोना के अंजील में जाकर देखते हैं तो जो है एक जबरदस्त बात हमारे सामने आती है, स्क्रीन पर कितने लोग पढ़ सकते हैं जी, जोर से पढ़े। ये यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाप की बारहवीं आयत पर था, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का, किसके, और जितने यीशु मसीह को कबूल करते हैं अपनी जिंदगी में शख्सी नजात दिंदा उसे कबूल करते हैं, जो सच्ची तौबा करते हैं, गुनाहों से फिरते हैं, जब वो नई जिंदगी में आते हैं तो खुदा के साथ उनका रिश्ता नया हो जाता है। ना तो वो नौकर रहता है और ना ही वो दोस्त रहता है, बल्कि वो खुदा का और जब हम फर्जंद हैं तो हम मिराज के ही हिस्सेदार भी हैं। हमें जरूरत है इस बात पर गौर करें और हम सब यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, अपने गुनाहों से फिरे, अपने गुनाहों को छोड़े, हर तरह का गुनाह की तशरीह करने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं है, आप सब गुनाह को जानते हैं कि क्या क्या गुनाह है, हर तरह के गुनाह को तर्क करके हर तरह की भली को अपनी जिंदगी में से दूर करने के बाद जब हम सच्ची तौबा में जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं तो हमारा खुदा के साथ रूफन रिश्ता तब्दील हो चुका होता है, ना तो हम नौकर रहते हैं और ना ही हम दोस्त, बल्कि फर्जंद ठहरते हैं, और जब हम फर्जंद हैं, जब हम उसे फेंकने और देखना है, जब हमने उसे कबूल किया है तो फिर हम मिराज के हिस्सेदार भी हैं। और कई दफा ये होता है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते, हम बेटे बेटियां हैं शायद हमें ये भी नहीं पता, और हम मिराज के हिस्सेदार हैं शायद हम ये भी नहीं जानते। उस मुसा बेटे की कहानी में दो भाइयों का जिक्र हमारे सामने आता है, एक को बड़े अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि जियो ले गया सी माल और तबाह कर दिया उसने, इसको तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरा जो बड़ा भाई है वो बाप के साथ साथ है, वो बाप की खिदमत भी कर रहा है, वो रोजाना बाप के घर में भी मौजूद है और वो बाप के बिजनेस में उसका काम भी कर रहा है, उसका हाथ भी बटा रहा है, और बाप का काम बिजनेस उसका जिम्मेदार शख्स है ये, और वो उसके खेतों में काम करता है, वो उसके भेड़ बकरियों का ख्याल करता है, वो उसके बैलों का ख्याल करता है, और वो अपने बाप के साथ वफादार है। लेकिन जब ये छोटा बेटा वापस आता है, मुशर्रफ वापस लौटता है, उसके लिए पला हुआ बछड़ा जबा किया जाता है, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई जाती है, उसके पाँव में जूते पहनाए जाते हैं, खुशी हो रही है, और ये बाहर खेतों से जब वापस आता है दरियाफ्त करता है नौकरों से कि क्या हो रहा है भाई, क्यों आज घर से खुशी है, कोई सालगिरह तो मेरी है नहीं,
शायद वो यही समझता था कि बस मेरी ही खुशियां सब कुछ हैं। पता चला कि तेरा भाई जो अपने सब माल को लेकर निकल गया था वो वापस आ गया है, और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा जबा किया है, सबको बुलाया हुआ है, और जो है उसको पेशाब भी दी है, उसको अंगूठी भी दे दी है। अंगूठी जो अख्तियार का निशान है, उन दिनों में ये अंगूठी जो है ये स्टैंप के तौर पर भी यूज होती थी, और ये पूरे इख्तियार को जाहिर करती है। जब वो देखते हैं बच्चा नाराज हो जाता है, वो उस तकरीब में शामिल नहीं होना चाहता। बाप उसे मना कर ले आया है, बाप को कहता है देख मैं तेरी खिदमत बड़े अच्छे तरीके से कर रहा हूं, देख मैंने तेरे काम को संभाला हुआ है, ये जो सब कुछ छोड़कर चला गया था, जिसने माल को जो है जाया कर दिया है और अब वापस लौटा है, उसके लिए इतनी खुशियां, मेरे लिए कुछ भी नहीं। किसी के जेब में बाप ने क्या कहा है? बाप कहते हैं कि जो मेरा है वो सब तेरा है, बेटा हम निराश है। कई दफा ईमानदार कहलाना बड़ा अच्छा लगता है, ईमानदारों को मुबशर कहलाना बड़ा अच्छा लगता है, कहने किसी तरह कोई मखसूसे तो डीका नहीं हो जाइए, वो कुछ ना कुछ कहलाना उनको अच्छा लगता है। अगर किसी को कोई टाइटल नहीं मिला तो कम अज कम उसे ईमानदार होने का टाइटल तो खुदा की तरफ से मिला हुआ है, उसको वो भी बड़ा अच्छा लगता है, और वो उसी में खुश है और घूमता रहता है बाप की फील्ड में, उसके खेतों में इधर गया उधर गया, भागता दौड़ता रहता है, और ये नहीं जानता कि ये सब कुछ मेरा है। हमें ये बात समझने की जरूरत है, वो शख्स जो ईमानदार है, जिसने हकीकी तौबा की है, सच्चे दिल से खुदा के साथ चलने का अहद बांधा है, सब तरह की बदियों को, बदकारियों को, हर तरह की नशेबाजी को, हर तरह की सुनाकारी को उसने छोड़ा है, क्योंकि उसने यीशु मसीह में अपने खुदा को नजात दहिंदा माना है। इसलिए योना की इंजील पहले बाप की बारहवीं आयत के मुताबिक वो खुदा का फर्जंद कहलाया है, वो खुदा का बेटा है, वो खुदा की बेटी है, और उसे ये भी समझना चाहिए कि जब मैं खुदा का बेटा और बेटी हूं, बाप के साथ मेरा तल्लक है, तो बाप का जो कुछ है वो भी मेरा है। हम उस जो कुछ है उसको हम अपनी जिंदगी में लेते नहीं, उसे कबूल नहीं करते, और उसमें हम पीछे रह जाते हैं। फर्जंदियत यानी खुदा के बेटे और बेटी होना, और मसीह के हम मेराज होना, मसीह के हम मेराज होने के तल्लक से चंद ही बातें थोड़ी सी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपके सामने ये कहने की एक हिंट्स हैं जो कल मैं आपको दे रहा हूं, फिर और आप अपनी लिस्ट को इसमें बढ़ा सकेंगे। जब हम मसीह के फर्जंद हैं तो मसीह के हम मेराज हैं। यीशु मसीह ने उनसे मुखातब होकर कहा दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया का नूर प्रेज लॉर्ड। कितने लोग यीशु मसीह को दुनिया का नूर समझते, खुश हैं, तालियां बजाते हैं। प्रेज लॉर्ड।
दुनिया का नूर मैं हूं और जब हम मत्ती के इंजील में जाते हैं पांचवें बाब की चौथी आयत में तो यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर हो। हम मिराज ठहरे, मैं दुनिया का नूर हूं। और फिर ईमानदार को जिसने फिर मैं ये कहूंगा सच्ची तौबा की है और सच्चे दिल से खुदा के साथ चलता है उसको हम मेरा ठहराते हुए कहा तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नूर हो। हमें इस बात को समझने और जानने की जरूरत है। अगर हम मसीह के हम निराश हैं, जब हम खुदा को सच्चे दिल से कबूल कर चुके हैं, मसीह को सच्चे दिल से हमने अपने दिल में लिया है, तो लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। और जब हम खुदा के फर्जंद ठहरे तो खुदा का पैरोठा दुनिया का नूर हमें ये बताता है कि ना फक्त मैं दुनिया का नूर हूं बल्कि तुम भी दुनिया का नूर हो। ये है हम मेराज सोना। हम खुदा के हजूर में उसकी मेराज को समझे और उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। जब हम इस बात को कर रहे हैं तो फिर इसी से पर भी आते हैं यूहन्ना की इंजील 17वें बाब की 14वीं आयत में तो लिखा है मैंने तेरा कलाम उन्हें पहचान दिया और दुनिया उनसे अदावत रखती है इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मैं दुनिया का नहीं और ये जितनों ने कबूल किया है ये भी दुनिया के नहीं। मैं जमीनी नहीं आसमानी हूं और ये सब के सब भी आसमानी है। आप आसमानी मकामों का हिस्सादार बन जाते हैं। आप आसमानी मकामों में खुदा की हजूरी में उसके तख्त के सामने आसमान पर बैठने के हकदार हो जाते हैं जिस तख्त पर यीशु मसीह खुदा के साथ बैठा हुआ है उसके सामने उसी तरह खुदा के साथ आप रफाकत करने के मजाज बन जाते हैं। जब हम इस बात को समझते हैं कि हम नौकर नहीं है। काश हर एक कहे कि मैं नौकर नहीं, काश हर एक ये कहे मैं दोस्त नहीं बल्कि मसीह का फर्जंद हूं। जब हम फर्जंद हैं तो फिर जिस तरह यीशु मसीह दुनिया के नहीं उसी तरह हम भी दुनिया के नहीं। जरूरत यह है कि हम समझे जाने और इस दुनिया में रहते हुए जब हम मुसाफरत की जिंदगी बसर करते हैं तो जिस दिन हमारी मुसाफरत के दिन पूरे हो जाएंगे लाजर की तरह तो फिर हम दुनिया के लोगों की तरह नहीं बल्कि वो जो चरीदा है उनकी मानत हम आसमान पर खुदा के हजूर फरदौस में जाएंगे और बाप के तख्त के सामने उसकी स्ताइश और उसकी हम करने वाले ठहरेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस हिस्से में जब हम लूका की इंजील में पहुंचते हैं उसके 9वें बाब की 2वीं और 3वीं आयत तो यीशु मसीह ने वो अख्तियार जो उनके पास है अपने कब्जे में नहीं क्योंकि ये मेराज का हिस्सा है ये अख्तियार जो है उसको भी हमारे साथ हमें दिया है। लूका की इंजील उसके पहले बाब की 2वीं और 3वीं आयत में 12 लोग हैं जिनको चुना है
और उसके बाद लिखा है कि उनको बदरुहों पर अख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी है। जब हम फर्जंद हैं, कितने लोग मसीह के फर्जंद हैं? उदलेरी नाल भाई, हाँ, अगर आपका हाथ नहीं उठे तो फिर कहीं और निकल जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 44वीं आयत में प्रेरित बता दिया कि बाइबल नहीं खोली, बाइबल अंदर खाना बहुत जरूरी है। आठवीं बाब की 44वीं आयत यूहन्ना की इंजील, उसमें लिखा है कि तुम अबलीस के फर्जंद हो। जब तुम गुनाह करते हो, झूठ बोलते हो, हर तरह की भद्दी को अपने अंदर रखते हो, तो तुम्हारा मिजाज, तुम्हारा किरदार अपने बाप की तरह है जो झूठा है, झूठ का बाप है। अगर हम मसीह के फर्जंद नहीं, तो फिर हम किसके फर्जंद हैं? हाँ जी, अबलीस के। तो फिर हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि लूका की इंजील में 9वें बाब की 1 और 2 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि उन 12 को जब चुना है तो उनको बदरुहों पर और अख्तियार बख्शा। क्या लफ्ज है अख्तियार की बात? बदरुहों को बड़े अख्तियार के साथ काम करने की जरूरत है, जिस तरह से हमारे खुदा यीशु मसीह बदरुहों को बड़े अख्तियार के साथ डांटते थे और बदरुहें उनका हुक्म मानती थी। वही अख्तियार यीशु मसीह ने अपने बरगजीदों को, चनीदा लोगों को, वो जो सच्ची तौबा करते हैं, वो जो उस पर ईमान लाते हैं, जो खुदा के फर्जंद ठहरते हैं, खुदा के फर्जंद होने के हैसियत से वो मेराज के वारिस हैं, और जो अख्तियार यीशु मसीह के पास है वो ईमानदारों के पास भी है। अगर समझ जाए तो कह दो आमीन। वो क्या? क्योंकि यीशु मसीह ने उस अख्तियार को अपने कब्जे में नहीं रखा, वो बांटता है। वो अख्तियार शागिर्दों को दिया है, बुजुर्गों पर अख्तियार और बीमारियों को दूर करने की कुदरत, ये उसकी मेराज में से हमें मिलता है, उसकी मेराज में से हम पाते हैं। अगर हम फर्जंद हैं, अगर हम हकीकी तौर पर खुदा के फर्जंद हैं, तो फिर बदरुहों पर अख्तियार और बीमारियों को दूर करने की कुदरत हर एक फर्जंद के पास है, और उसे दलेर रहने की जरूरत है, उसे खुशी मनाने की जरूरत है, और उसे इस बात पे खुश होने की जरूरत है। मैं नौकर नहीं, मैं दोस्त भी नहीं, मैं मसीह के साथ हम मेराज हूं, खुदा का फर्जंद होने का मुझे हक मिला है, इसलिए खुशी मनाने और उसकी स्टाइश करने की जरूरत है। फिर तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लूका की इंजील ही में 10वें बाब की 19वीं आयत में यीशु मसीह ने यहां 70 शागिर्दों की बात हो रही है, ठीक है जी, पहले 12 अब 70, और 70 शागिर्दों की बात हो रही है, और उनको ये लिखा है कि उनको अख्तियार दिया सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालब पाओ, तुमको हर गज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। फर्जंदों को
पकी के बेटे और बेटे जो जिन्होंने मसीह को पहन लिया है उनको ये कहा गया, उन्हें ये इख्तियार दिया गया, सांपों और बिच्छुओं पर इख्तियार दिया गया और ये कहा गया कि दुश्मन की कुव्वत को क्या करो, कुचलो। और यहां बड़ा जबरदस्त है, और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालबाओ, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालबाओ अख्तियार के साथ, बड़े अख्तियार के साथ हमें काम करने की जरूरत है। मैं इस बात को जानता हूं कुछ लोगों की, जब कहीं सामने बदबू आ जाती है और वो बड़ी चली जाऊंगी और वो उससे प्यार बड़ा दिखा रहे होते हैं और बड़ा जो है उसके साथ जो है नरमी दिखा रहे होते हैं, लेकिन अख्तियार में नरमी नहीं बल्कि उसको हुक्म देने की जरूरत है, मिन्नत करने की जरूरत नहीं है, चली जा आज नहीं, उसे हुक्म दे और वो निकलेगी क्योंकि आपके पास अख्तियार है। और बिच्छुओं को कुचलने का, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालब आने का अख्तियार तुम्हारे पास है, हर ईमानदार के पास। वजह क्या है, वो मसीह का नौकर है? नहीं। वजह क्या है कि वो मसीह का दोस्त है? नहीं। वजह ये है कि उसने मसीह में अपने खुदा को कबूल किया है और उसे फर्जंद होने का हक मिला है, इसलिए उसे अख्तियार दिया गया है। और अगला हिस्सा अक्सर पादरी भी नहीं पढ़ते, अगला हिस्सा जरा मैं जाना तो गलीसी अभी हमेशा पढ़े करें। हाँ जी, अगला हिस्सा क्या है? और तुमको हर गज किसी चीज से जर यानी नुकसान नहीं होगा। बड़े सारे पादरी, बहुत सारे लोग ईमानदार, पता नहीं की हो गया इन्हों के ईमान को, पादरी करते और कई कई तरह की बातें सुनने को मिल रही है, भाई तुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी है, ये मुकम्मल गारंटी यीशु मसीह ने दी है। इस गारंटी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। आपके पास ये मुकम्मल गारंटी के साथ मैं आपको ये खुदा का कलाम देता हूं, आप खुदा के काम को करें, बदबूओं को अख्तियार के साथ डांटे वो निकलेगी, आप बीमारियों को अख्तियार के साथ डांटे बीमारियां जाती रहेगी और कोई आपको नुकसान नहीं होगा। एक दफा एक आदत बड़े चुमके मार लिया, हाँ वो मैं की हो गया बचे नहीं यार की हो गया, वो कहना तुम की दसी है पाल साहब को उठे गए था जो गए दुआ करन लई वो बड़े सुमके मारन रही सी, वो सुमके बोले ठीक हो गए ना हुन मैं मारना। ओ भाई ये किस तरह की ईमानदारी है, ये किस तरह का अख्तियार है। यीशु मसीह ने तो कहा था तुम्हें हर गज नुकसान नहीं होगा, हर गज नुकसान नहीं होगा, आप दिलेरी के साथ खुशी के साथ खुदा की स्ताश करें। आप इस हिस्से को जब हम सुन रहे हैं आप कहेंगे कि नहीं बाद साहब आपने बारह का जिक्र किया, हाँ उन बारह को अख्तियार दिया गया था इसलिए वो उस तरह से करते थे,
आप ये भी कह सकते हैं पादरी साहब आप बात कर रहे हैं वो 70 लोगों की बात हो रही है, 70 लोगों को इख्तियार दिया गया, वो इस तरह से करते थे, इसलिए हम तो उसमें आए नहीं है, ना हम पर हाथ रखे गए हैं, ना हमें किसी ने निकाला है, ना ही किसी ने हमें कोई किसी तरह से ब्लेस किया है। हम क्यों ऐसा करें? क्योंकि हम पर बहुत सारे लोग जो हैं, कई ईमानदारों ने मुझे कहा है कि हम पर हाथ नहीं रखे हुए, इसलिए हम बुद्रुआ ना छेड़छाड़ नहीं करते। कहते नहीं, बुद्रुआ ना छेड़छाड़ करना साड़ा काम नहीं, वो करण बिना दे हाथ रखे और पादरी नूं बुला के बुद्रुआ दे अगे घर छड़ दे, हाँ पिछे बह के तमाशा देखदे अगे। मैं आपको यीशु मसीह की एक और बात बताना चाहता हूं। ये मत्तयस की इंजील 16वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत आपके सामने आ रही है, और इसी से में यीशु मसीह ने ये कलाम किया है और ईमान लाने वालों के दरमियान और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरुहों को, वो मेरे नाम से बदरुहों को, वो मेरे नाम से बदरुहों को, कौन ईमानदार है? कोई है इस तरह ईमान लिया है ये सूसी ने? कोई मसीह पे ईमान लाने वाला कोई शख्स अपना हाथ दिखा सकता है? और जब आप ईमानदार हैं, आपने मसीह पर आप ईमान ला चुके हैं, तो आप फर्जंद हैं और उस हैसियत से आपके पास ये इख्तियार और हक है, और यीशु मसीह ने उस हक को अपने लोगों पर मुकम्मल तौर पर जाहिर किया है। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरुहों को, वो मेरे नाम से बदरुहों को। अज भाइयों के घर में देखे कई दफा बड़े ईमानदार चंगे पर कहते पादशाह क्यों की होया है अज तेन घर से बदलू होनी पी कैसे हो सकता है? वो ईमानदार और उसके घर में बदलू आए भाई सलामत आ सकती है? आ सकती है? हरकत नहीं आ सकती, मेरा तो ये ईमान है। हाँ जी, वो ईमानदार और बदलू उठे रहे, क्या तारीकी और रोशनी इकट्ठे रह सकते? ये एक जगह नहीं रह सकते। फिर यीशु मसीह ने एक बड़ी जबरदस्त गल कही, ध्यान ना सुन दियो, ख्याल कर जो रोशनी तुझ में है क्या वो तारीकी तो नहीं? अपने आप को तो समझता है कि मेरी जिंदगी में मसीह की रोशनी है। ख्याल कर किते ऐ तारीकी तो नहीं? ये जो मसीह का चैलेंज है आज मैं कलीसिया के सामने रखना चाहता, ख्याल करने की जरूरत है। और फिर जब बदरू कटन ने पादरी नूं बुलाया ना, तो फिर कुछ शक है कि दे और रोशनी तारीकी दे नहीं। क्यों बदरू को तो एक डरे हुए एक खुडे लगे लगे सारे पादरी आदत डरे रोके कल पादरी आगे हूं बैठे हुए हैं। ईमानदार शख्स जो मसीह का बंदा है, बेटी है, बेटा है,
वो शख्स जो है उसके लिए यीशु मसीह ने कहा है, उन पादरी के हाथ की जरूरत है जी? हाँ, क्योंकि मसीह ने जब कह दी है गारंटी यीशु मसीह दे रहा है, इख्तियार यीशु मसीह दे रहा है, और पास्टर अगर जो है किसी शख्स को महसूस करता है ये बाइबल का आइन और दस्तूर है किसी खास सौदे पर उस पर के लिए उस पर हाथ रख देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हर मसीही ईमानदार शख्स खुदा का फर्जंद है, और फर्जंद होने की हैसियत से मसीह के अख्तियार को अपनी जिंदगी में रखता है। उसी ने जिसने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, उसी ने जिसने ये कहा कि जैसे मैं दुनिया का नहीं ये भी दुनिया के नहीं, वही ये फरमाता है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जबाने बोलेंगे, गैर जबाने बोलेंगे, सांपों को उठा ले, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज भी है तो उन्हें कुछ जर यानी नुकसान नहीं पहुंचेगा। हलाक करने वाली चीज मैं भाइयों के घर उठ गया, बड़े ईमानदार, बड़े गुरु, बड़े कंप कंप के दुआवां करते हैं, और उनको देखा है कहते पादरी साहब की खरीद सामने लोगों ने तमीज कर दी, मैं उसे पता ही नहीं लगा उन्होंने मैंने तमीज पढ़ा के और गंदा मेरा है हाल। ईमानदार पर कोई अफसोस नहीं चलता, कह सकते हमें अगले दिन ना मैं ईमान नाल गल कर रहा और वायदे की गल कर रहा जी पर साहब ईमानदार पर अफसोस चल सकता है नहीं चल सकता, हरगज नहीं हो सकता, और तवीज जिन्ने भी पीने ने उस जाहिर हो रहा है उन्होंने असर नहीं रहना, अगर कोई खामोशी ना भी पलांदा है तो कोई मसला नहीं परेशान होने की जरूरत है। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरुखों को निकालेंगे, नई नई जबान में बोलेंगे, कोई हलाक करने वाली चीज भी है उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। अगला हिस्सा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे वो यानी बीमार अच्छे हो जाएंगे, ये किसने कहा? यीशु मसीह ने। और आज बहुत सारे ईमानदार पाशा ये कहते मैंने उनको सुना असी के हाथ नहीं ना रख सकते, और फिर पता नाल हवाला भी एक देते हाथ रखने में हवाले दे मैनी कुछ होर ने उठे और मदन कुछ होर फिर वो वाला हवाला दे जाने जो लिखे है ना पाशा तुम पता है लिखा हुआ है कि हाथ रखने में जल्दी ना करना, मैं हाथ नहीं रखे मैं दौड़ाया आओ हूं जल्दी, लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा है ईमानदार यानी ईमान लाने वाला शख्स वो बीमारों पर हाथ रखे, वो बीमारों पर वो मसीह का हाथ काफी है कि पादरी का हाजी हाजी अच्छा आप सच्चे दिल से मसीह को कबूल करते हैं और आप हकीकी ईमानदार ठहरते हैं खुदा के फर्जंद हो जाते हैं तो ये सारी बरकत आपके नाम है। आमें। और अगर फिर वो परमेश्वर जो कहता है अगर फर्जंद हैं, अगर अंदर तारीकी है, आप समझते हैं कि हम रोशनी में चल रहे हैं, आप समझते हैं कि मैं नूर हूं लेकिन तारीकी की बातें लोगों को बताते हैं तो फिर नहीं, अगर हम फर्जंद हैं तो मसीह के हम मेरा हैं। आई दुआ।